आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई का संकट अभी भी बना हुआ है। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इसके दाम भी चढ़े हुए हैं। अब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार जुलाई में ये संकट और गहराने की आशंका है। इसकी वजह उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं की कटाई का इसी दौरान होना है। साथ ही गेहूं उत्पादन के हिसाब से देखें तो चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन जैसे देश इसी गोलार्ध में आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतें तेज हुई है। वहीं अब देखना ये होगा कि नए शिपमेंट को रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध किस तरह प्रभावित करता है, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे देशों में जून से अगस्त के बीच जो गेहूं की कटाई होती है उसके बाद ही गेहूं के निर्यात में तेजी। यूक्रेन दुनिया में सबसे अधिक गेहूं निर्यात करने वाले देशों में से है। वहीं बता दें कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन को गेहूं के निर्यात में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने रेल और नदी के रास्ते से निर्यात जारी रखने की कोशिश की है। यूक्रेन में अगस्त के आखिर में गेहूं की कटाई शुरू होती है। इस बीच अब रूस में भी गेहूं की फसल कटने वाली है, लेकिन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंध के चलते रूस कितना गेहूं बेच पाएगा, ये एक अहम सवाल है। वहीं काला सागर से होने वाले ट्रेड की गति पर इस बार सभी की नजरें रहेंगी। इस रूट से ऐतिहासिक रूप से वैश्विक व्यापार का एक चौथाई हिस्सा तय होता है। इस समय ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतें सामान्य से काफी अधिक हैं। इस वजह से महंगाई दर में तेजी देखने को मिल रही है। रूस से गेहूं का निर्यात अभी तक सामान्य बना हुआ है, क्योंकि उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। रूस अपने गेहूं को पारंपरिक ग्राहकों के पास ले जा रहा है। वहीं आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा कि रूस कितनी बड़ी मात्रा में गेहूं बेच सकता है। यूक्रेन के निर्यात की संभावनाएं अभी पूरी तरह खुली नहीं है। समुद्री व्यापार को फिर से शुरू करने की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। टर्मिनल बंद होने से अनाज का शिपमेंट उनकी क्षमता के आधे से भी कम रहने का खतरा है। वहीं काला सागर से होने वाली किसी भी नुकसान का मतलब है कि आयातिक यूरोपीय संघ जैसे वैकल्पिक एक्सपोर्टर पर अधिक भरोसा करेंगे। व्यापार में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मिश्र ने इस सप्ताह 350,000 टन फ्रेंच गेहूं की बुकिंग की है। वहीं अफ्रीकी देश मिश्र ने हाल ही में भारत से 1,80,000 टन गेहूं खरीदने का करार किया है। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक मिश्र ने हाल के वर्षों में काला सागर के रास्ते ज्यादातर अपने अनाज खरीदे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ये रूट प्रभावित हुआ है। इस वजह से भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते खुले हैं। मिश्र भारत से 5,00,000 टन गेहूं का आयात पर सहमत हुआ था, लेकिन फिलहाल सरकार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।